Hello students, welcome to the class. I hope all of you are doing good. Sorry, I just got a bit late. कुछ technical issue आ गया था, ठीक है? See, तो इस class में हम क्या चीज़ करने वाले हैं? This class is going to be around 20 minute class, 20 minute का class रहने वाला ये. Just give me a second. चलिए आगे चलते हैं. तो अभी हम इस क्लास में क्या डील करने वाले हैं, हम सारे पार्ट्स को बेसिकली याद कर लेंगे, ठीक है ना. पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिकली पार्ट्स होते क्या हैं, देखिए जिस तरह से आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उस बुक को बेसिकली किस में डिवाइड कर रखा होता है, चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा होता है. तो इन अ सिमिलर वे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स में डिवाइड करा गया है. हर चीज को बेसिकली डील किया गया है हमारे संविधान में पार्ट्स में. मतलब पार्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, जैसे देश को चलाने के लिए हर चीज को आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है. यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई द थिंग्स कि स्टेट की सरकार कैसे चलेगी, यूनियन की सरकार कैसे चलेगी, यूनियन टेरिटरीज कैसे चलेंगी, हमारे देश में जो फाइनेंस है, जो प्रॉपर्टी है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैसे होगा, ठीक है, इलेक्शंस कैसे होंगी हमारे देश में, इमरजेंसी कैसे लगेगी, लैंग्वेज के मुद्दे, ठीक है, ये सब चीजों को एक एक आप कह सकते हैं कि मतलब तवज्जो दिया गया है हमारे संविधान में. एक अलग अलग निर्धारित चैप्टर है इनके ऊपर. तो हमारे संविधान में फिलहाल कितने पार्ट्स हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अभी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अभी फिलहाल हमने इसको 25 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है. 25 पार्ट्स में, जब हिंदुस्तान को आजादी मिली तो उस टाइम पे हमारे पास ये जो पार्ट्स हैं ये हमारे पास 22 पार्ट्स थे, बट अभी हमारे पास ये 25 पार्ट्स हैं. एक पार्ट जो है वो बेसिकली हमने रिपील कर दिया है, पार्ट नंबर 7. तो पार्ट 7 खत्म कर दिया है, तो इसको याद कर लीजिए. जनरली 7 नंबर इज लकी नंबर, ठीक है ना, बट हमने इस लकी नंबर को आप कह सकते हैं हटा दिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन से. और जो भी चीज हमारे संविधान में हट जाती है वो कहाँ चली जाती है, वो पार्ट नंबर 22 में चली जाती है. पार्ट नंबर 22 हमारे संविधान का बेसिकली क्या है, ये रिसाइकल बिन है, ठीक है ना, ये रिसाइकल बिन है. कोई भी चीज हम रिपील कर देते हैं अपने संविधान में वो कहाँ चली जाती है, वो बेसिकली पार्ट नंबर 22 में बेसिकली वो चला जाता है, रिपील्ड चीजें. तो अभी हम पूरा कोड बना के इसको याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है. कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से याद करेंगे, कुछ चीजें कोड से याद करेंगे. तो दो तरीके से इसको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को याद करेंगे, एक तो कॉमन सेंस से, ठीक है ना कोई कॉमन सेंस लगाएंगे हम उससे याद करने का कोशिश करेंगे, और दूसरा हम इसको कोड से याद करेंगे, ठीक है. देखिए किसी भी देश का जो संविधान होता है उसका जो पहला चैप्टर होगा, जो पहला पार्ट होगा, वो हमेशा किस चीज के साथ डील करेगा, वो हमेशा डील करेगा पार्ट 1 इट विल बी डीलिंग विद द टेरिटरी, ठीक है ना, टेरिटरी के साथ बेसिकली वो डील करेगा. तो हमारे यहां पे क्या चीज है, पार्ट 1 क्या है, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है पार्ट 1. किसी भी देश का संविधान ले लीजिए, वो हमेशा मतलब उसकी टेरिटरी के बारे में डील करेगा. हाँ, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी टेरिटरी के साथ बेसिकली डील करता है. सिमिलरली जो दूसरा पार्ट है हमारा, ठीक है ना, वो हिंदुस्तान की नागरिकता के साथ डील करता है, ठीक है ना, सिटीजनशिप के साथ बेसिकली डील करता है, नागरिकता के साथ डील करता है पार्ट 2. इस तरह से याद कर सकते हैं आप, पहले हमने अपनी टेरिटरी के बारे में बताया पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में हमने बता दिया कि इसमें रहने वाले लोग क्या है, इसमें रहने वाले लोग इस देश के नागरिक हैं, सिटीजन हैं. जो सिटीजन्स हैं उसके पास ज्यादा अधिकार होते हैं, ठीक है, तो अधिकारों को लेके मतलब देयर इज पार्ट 3. पार्ट तीसरा जो है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स. देखिए पहले 3 का तो कोई कोड नहीं है, ठीक है ना, बाकी सबका हम कोड बना लेंगे. पहले 3 का तो कोई कोड नहीं, कॉमन सेंस से याद हो जाएगा ये वाला कि सबसे पहले टेरिटरी है, फिर सिटीजन है, फिर उनके फंडामेंटल राइट्स है, TCF इस तरह से कर सकते हैं आप. पहले वाला टेरिटरी है, फिर उसके बाद में सिटीजनशिप है, तीसरे वाला फंडामेंटल राइट्स है, TCF, टेरिटरी सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स.
टेरिटरी सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, टेरिटरी सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल राइट्स, तो ये है। चलिए अब हम आते हैं पार्ट फोर के ऊपर। पार्ट फोर एंड फोर ए को अभी हम होल्ड पे रखेंगे, अभी नहीं समझेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझने का कोशिश करेंगे पार्ट नंबर फाइव को, ठीक है ना। पार्ट फाइव को समझने का कोशिश करेंगे। ये जो पार्ट फाइव है ये क्या चीज है, देखिए पार्ट फाइव इज विद रिस्पेक्ट टू, देखिए पांच वी यू, इस तरह से याद कर सकते हैं जिस तरह से वी यू कंपनी का टीवी आता है। तो जो पार्ट पांच है डील्स विद द यूनियन, वी यू, वी यू का टीवी आता है ना। वी यू किस कंपनी का टीवी है, बेसिकली किस देश की कंपनी है ये, बेसिकली अमेरिकन कंपनी है एक, ठीक है। तो द यूनियन डील करता है पार्ट फाइव से, तो इसको ध्यान में रख लीजिए, तो काफी आसान है। पार्ट ये वाला तो हो गया हमारा पार्ट पांच, ठीक है ना। अब पार्ट छ आता है, छ मतलब सिक्स, सिक्स एस, एस से स्टार्ट होता है और सिक्स मीन्स व्हाट, स्टेट्स, सिक्स का मतलब है स्टेट्स, एस फॉर सिक्स एंड एस फॉर स्टेट्स। पार्ट सिक्स डील्स विद स्टेट्स, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पार्ट सिक्स डील्स विद स्टेट्स, छह स्टेट्स के साथ डील करता है, तो इस तरह से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, पहले तीन तो कॉमन सेंस के साथ है, आप टेरिटरी देखेंगे, सिटीजनशिप देखेंगे और आप फंडामेंटल राइट्स देखेंगे, टीसीएफ, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री, ठीक है। एंड पार्ट नंबर फाइव इज व्हाट, द यूनियन, ठीक है ना। पार्ट नंबर पांच क्या है, द यूनियन है, पार्ट नंबर पांच क्या है, द यूनियन, द यूनियन, द यूनियन, द यूनियन, ठीक है। और उसके बाद में आ जाता है पार्ट नंबर आपका सात, सात तो रिपील हो गया, मैंने आपको बता दिया है। आठ याद करना बहुत आसान है, आई होप आप सब लोग याद कर पा रहे हैं। वर्षा बघेल, इशिका पवार, गुड इवनिंग, चलिए आप लोग याद कर पा रहे हैं इसको। मैंने अब आप लोगों के कमेंट्स देखे, सॉरी मैंने पहले कमेंट्स नहीं देखे आप लोगों के, आई एम सॉरी फॉर दैट। पार्ट एट, पार्ट एट का मतलब है, मतलब आठ है एट, और हमारे पास आठ ही यूनियन टेरिटरीज हैं अभी, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, एट एंड एट यूनियन टेरिटरीज है, एट एट यूनियन टेरिटरीज है, लाइक दिस यू कैन बेसिकली कनेक्ट, आप इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, समझ गए आप। आठ, आठ यूनियन टेरिटरीज है, तो पार्ट आठ हमारे पास यूटीज को लेके। सात रिपील हो चुका है, मैंने आपको बताया, छ सिक्स मीन्स स्टेट्स, पार्ट फाइव मीन्स वी यू, मतलब यूनियन, द यूनियन के साथ है, ठीक है ना। तो पार्ट नाइन जो है, नाइन, नाइन मतलब नाइन, नाइन मीन्स नो, नो नो हमने किसकी करा रखी है, किसके हालात हमने बहुत खराब कर रखे हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं। पार्ट नाइन इज म्यूनिसिपैलिटीज, सॉरी पंचायत, पार्ट नाइन इज पंचायत, हमने पंचायत के बुरे हाल कर रखे हैं, तो उसके नो, नाइन मीन्स नो, ठीक है। जो मतलब जनरली आप लोगों ने पढ़ाई करा होगा, कुछ लोग सेक्शन ए में पढ़ते हैं, कुछ लोग सेक्शन बी में पढ़ते हैं, ठीक है। जो सेक्शन ए में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो काफी बेसिकली चलाक स्टूडेंट होते हैं, शहरों वाले स्टूडेंट्स, चलाक स्टूडेंट, इस तरह करके कनेक्ट कर सकते हैं आप। पार्ट नाइन ए, नाइन ए, नाइन का मतलब तो नो, मान लीजिए नो नो करा रखी है हमने, बुरा हाल कर रखा है म्यूनिसिपैलिटीज का भी और पंचायत का भी, ज्यादा ताकतवर नहीं है ये हमारे देश में, हमारे देश में स्टेट की ताकत ज्यादा ताकतवर है और यूनियन काफी ताकतवर है। तो पार्ट नौ है हमारे पास, पार्ट नाइन ए है, नाइन बी, बी सेक्शन में जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, आप लोग स्कूल में पढ़े होंगे, क्या बी सेक्शन में पढ़ने वाले लोग थोड़े से कोऑपरेटिव होते हैं कि नहीं होते ज्यादा, क्या बी सेक्शन में पढ़ने वाले लोग ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं कि नहीं होते हैं, बी सेक्शन में पढ़ने वाले लोग ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं कि नहीं, हाँ यस सर मैं थी बी सेक्शन में, वेरी नाइस। तो नाइन बी कोऑपरेटिव होते तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ गया, याद हो गया आप सब लोगों को, अगर आप लोगों को इतने पार्ट्स याद हो गए तो प्लीज टाइप वाई। अभी तक पार्ट वन टू थ्री, ठीक है ना, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, नाइन ए नाइन बी, क्या इतना याद हो गया आप लोगों को, वेरी नाइस। तो इस कोड को एक बार, नाइन वाला तो नो नो करा दिया, नाइन का मतलब नो नो किसकी कराई है, पंचायत की, नाइन ए म्यूनिसिपैलिटीज है, नाइन बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, ठीक है। पार्ट सिक्स मतलब स्टेट्स है, पार्ट फाइव द यूनियन है,
पार्ट फाइव का मतलब है द यूनियन, पार्ट फाइव का मतलब है द यूनियन, पार्ट फाइव का मतलब है द यूनियन, ठीक है ना। पार्ट फोर का मतलब है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। और चार ये क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको भी याद कर लेंगे, कॉमन सेंस वाले हैं, ये थोड़ा कॉमन सेंस से करना पड़ेगा, बाकी सबका कोड बन जाएगा। अब पार्ट टेन देखिए, देखिए जो भी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज होते हैं, आदिवासी लोग हैं, उसको क्या प्रॉमिस करती है सरकारें, सरकारें ये प्रॉमिस करती हैं कि आप जीरो पे हैं और आपको बेसिकली हम एक नंबर का बना देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज पार्ट नंबर टेन, ठीक है ना। पार्ट टेन डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट टेन डील्स विद व्हाट, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के साथ डील करता है, है वो जीरो है और उनको सरकारें प्रॉमिस करती है कि आपको एक नंबर का बना देंगे। तो पार्ट टेन डील्स विद शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, ठीक है। अब आप मुझसे मुझे एक चीज बताएंगे, जब दो लोग मिलते हैं, एक और एक मिल गया, क्या कोई रिलेशन एस्टेब्लिश होता है? कहते हैं ना एक और एक मिलके 11 हो गए, 11 क्यों होते हैं एक और एक मिलके, हम कहते हैं क्योंकि रिलेशनशिप बनता है कि नहीं बनता है, बताएंगे बताएंगे। क्या जब दो लोग मिलेंगे एक और एक, ठीक है ना, क्या रिलेशनशिप बनेगा? प्लीज टाइप यस और नो, बताइए क्या रिलेशनशिप बनेगा। यस रिलेशनशिप बनेगा। क्या रिलेशनशिप बनता है, किसमें अब रिलेशनशिप बनता है? पार्ट 11 देखिए, पार्ट 11 रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, पार्ट 11 मींस रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा किस किस के बीच में, यूनियन के बीच में और स्टेट के बीच में। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। हाँ, तो यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा। आगे देखेंगे पार्ट नंबर 12 से आपको आप कनेक्ट कर सकते हैं, 12 से बार, ठीक है ना, 12 से बार मतलब बियर बार से आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। 12 मतलब जब आदमी कब जाता है बियर बार, जब बहुत कोई या तो धोखा हो जाए या कुछ बहुत प्रॉपर्टी में कुछ बहुत अच्छा हो जाए, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, फाइनेंस बन गया, प्रॉपर्टी बन गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, सूट्स मतलब केस, केस के बाद में भी बेसिकली वो बार में जाएगा, तो 12 को याद कर सकते हैं आप, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट पार्ट नंबर 12, ये 12 है, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया। 13 को जनरली हम अनलक्की मानते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनलक्की हो जाते हैं, कब होते हैं, जब वो बेसिकली ट्रेड में इंडल्ज होते हैं, ठीक है ना, ट्रेड एंड कॉमर्स। तो जब आदमी लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडल्ज होता है, ठीक है ना, तो वो बहुत अनलक्की हो जाता है, दैट इज पार्ट 13, पार्ट 13, पार्ट 13, समझ गए आप लोग? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पार्ट 13 मतलब अनलक्की, ये देख लीजिए 13, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी दोबारा से फिर रिवाइज करेंगे जितने भी अब तक हमने कर लिए हैं। 1 और 1 क्या है बता सकते हैं आप? 1 और 1 किसके साथ डील करता है? 11, एक और एक 11 किसके साथ डील करता है? एक और एक किसके साथ डील करता है? वेरी नाइस रिलेशन, वेरी नाइस रिलेशन, रिलेशन। और 1 0 किसके साथ डील करता है? कुछ लोग जीरो होते हैं और उनको प्रॉमिस करते हैं कि उस वो 1 बन जाएंगे, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के साथ, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के साथ डील करता है, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ये पार्ट कौन सा है? पार्ट दैट इज 13, ठीक है ना। पार्ट 14 में क्या है? पार्ट 14, देखिए 14 को आप याद कर सकते हैं, लाइक मैं चंडीगढ़ से हूं, ठीक है, तो मैं एक चीज कनेक्शन बना लेता हूं अपने शहर के साथ, कुछ ना कुछ आप लोग भी किसी ना किसी का कनेक्शन बना सकते हैं। पार्ट 14 14 किसके साथ? मतलब मेरे, मतलब चंडीगढ़ में जो सेक्टर 14 है,
दैट डील्स विद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी है यहाँ पे पीयू, वहां से बहुत सारे लोग पढ़ के क्या बनते हैं, सरकारी नौकर बनते हैं, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से सिविल सर्विसेज में जाते हैं, और पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में कौन से सेक्टर में है, इट इज इन सेक्टर नंबर 14। तो आप वहां से याद कर सकते हैं कि सिविल सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, तो पार्ट 14 डील्स विद सर्विसेज एंड द यूनियन एंड स्टेट्स, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, सरकारी नौकरों के साथ में ये डील करता है। अब कांग्रेस का साइन क्या है, कांग्रेस का साइन तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है ना, पंजा है पांच, ठीक है ना। तो 15 क्या चीज है ये देख लीजिए, 15 क्या है, 15 डील्स विद इलेक्शंस, 15 पंजा, एक और पांच, हाथ 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 इस तरह से बना लेंगे, मैं बना नहीं पा ड्राइंग मेरा ऐसा ही है थोड़ा, ठीक है ना। तो इट इज गोइंग टू बी 15 इलेक्शंस के साथ। हाँ, हम आप डीयू बोल दीजिए, आपने डीयू बोला, डीयू बोल दीजिए, बट डीयू में आप बेटा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे सेक्टर 14 से, मतलब सेक्टर 14 चंडीगढ़ से ही है, मतलब आप थोड़ा वहां करना पड़ेगा। आई थिंक दिस इज क्लियर, ये क्लियर हो गया आपको ललित जी। चलिए आगे देखते हैं, पार्ट 16, यार स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कुछ प्रोविजन, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए प्रोविजन, ओबीसी के लिए प्रोविजन, एंग्लो इंडियंस के लिए प्रोविजन, ये सारी कहां पे दी गई है, पार्ट 16 में। मैंने आपको पार्ट 10 करवाया था 10, कुछ लोग जीरो हैं उनको वन करने का प्रॉमिस करते हैं, किन लोगों को, जो लोग शेड्यूल्ड एरिया में रहते हैं या वो ट्राइबल एरिया में बेसिकली रहते हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया में जो लोग रहते हैं, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए आप, 10 है तो 10 को अगर आप ऐसे करेंगे तो 6 बन जाएगा, ठीक है ना, 16, तो 10 एंड 16 आपस में रिलेटेड है, 10 इज शेड्यूल्ड इन ट्राइबल एरियाज, 116 मतलब 16 इज फॉर स्पेशल प्रोविजन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज एंड एंग्लो इंडियंस फॉर सर्टन क्लासेस, कुछ लोगों के लिए अलग से मतलब सुविधा या यहां पे चीजें दे रखी, जैसे आर्टिकल 342 में क्या दे रखा है, 342 में लिस्ट बना रखी है, 341 में, ठीक है ना, लिस्ट बना रखी है किसकी, शेड्यूल्ड कास्ट की, शेड्यूल्ड ट्राइब की, 341A में मतलब ओबीसी का लिस्ट बना रखा है। सो दिस इज इस तरह करके ये वाले बेसिकली हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द पार्ट्स, ये पार्ट्स को लेके पार्ट 16। पार्ट 17 क्या है, 17 को आप कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब 17 सेक्टर चंडीगढ़ के से मैं बेसिकली याद करवाता हूँ, वहां पे बहुत सारे मतलब लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट्स बहुत सारे हैं, तो पार्ट 17 डील्स विद बेसिकली लैंग्वेजेस, 17 डील्स विद लैंग्वेजेस कि रीजनल लैंग्वेजेस कैसे हैं, ठीक है ना, हाई कोर्ट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी, यूनियन कौन सी लैंग्वेज यूज करेगा, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है ना। दिस इज अबाउट पार्ट नंबर 17, आई थिंक दिस इज क्लियर। ये पार्ट 17 है। 18 देखिए, जब भी कोई इमरजेंसी आती है, ठीक है ना, तो हम क्या डायल करते हैं, जीरो डायल करते हैं। अगर इस जीरो को हटा के यहां से यहां पे रख देंगे तो ये पार्ट 18 बन जाएगा, मतलब 10 और ऊपर एक जीरो रख देंगे तो 18 बन जाएगा। हम 100 कब कॉल करते हैं, जब इमरजेंसी आ जाए, पार्ट 18 डील्स विद इमरजेंसी। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, पार्ट 18 डील्स विद व्हाट, पार्ट 18 बेसिकली डील्स विद इमरजेंसी के साथ। हाँ अच्छा है सर, काफी बेटा, कभी भी निमोनिक्स के साथ याद नहीं करना चाहिए पार्ट्स को, उसका कारण यह है कि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी आपको इकट्ठा कभी नहीं पूछेगी, निमोनिक्स आपका कभी काम आता नहीं है, आपको सिंगल सिंगल का कोड बनाना चाहिए, 18 का इमरजेंसी, 17 का लैंग्वेज, 16 का स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस, 15 का इलेक्शन, 14 का स्टेट्स सिविल सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, 13 का ट्रेड एंड कॉमर्स, 12 का फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, 11 का रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, 10 शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, 9 पंचायत्स, 9A म्युनिसिपैलिटीज, 9B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 8 यूटीज, 7 रिपील्ड, 6 स्टेट्स, 5 द यूनियन। तो 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, 4 DPSPs, 3 फंडामेंटल राइट्स, 2 सिटीजनशिप, 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। हाँ, कुछ ना कुछ सीधा रिलेट करके याद करिए, वो बहुत जरूरी रहता है, ठीक है ना। टिप्स पे होना चाहिए ये चीजें, तो बहुत बेसिक चीजें हैं यार, ये तो ऐसी क्लास ले रहे हैं अभी हम, ठीक है।
तो जितने लोगों ने भी अनअकैडमी ज्वाइन नहीं करा है वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे से पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, काफी हंसी मजाक में हम पूरी पॉलिटी को कवर कर लेंगे अच्छी तरह से, पूरे हर टॉपिक की जड़ तक जाके अब वो कवर करना चाहते हैं तो जरूर ज्वाइन करिए अनअकैडमी, ठीक है, तो उससे आपको काफी हेल्प मिल जाएगा। प्लस में मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, मेरा कोड जी राजपूत है। चलिए आगे देखते हैं, 19 में मिसिलेनियस चीजें, अलग अलग तरह की चीजें, जैसे आर्टिकल 361 इट डील्स विद व्हाट, कि प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी नहीं होगी अगर वो कोई किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर इंडल्ज होते हैं, तो गवर्नर की भी नहीं होगी अगर वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इंडल्ज होते हैं, तो पार्ट 19 है। क्या चीज है पार्ट 19? 20, 20 तो बहुत आसान है इसका कोड। देखो हमने किसी भी चीज को काटना होता है और उसको काट के उसको चेंज करना होता है, तो हमें चीज को काटना पड़ता है ना, किसी चीज को चेंज करना है तो हम उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं पुरानी चीज के ऊपर, तो अगर 2x लगाएंगे तो मतलब पार्ट 20 हो गया। पार्ट 20 मींस व्हाट? अमेंडमेंट। पार्ट 20 का मतलब है अमेंडमेंट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। पार्ट 20 डील्स विद द अमेंडमेंट, ठीक है ना। हाँ, आखिरी के चार का कोड ये है, मिसिलेनियस अमेंडमेंट टेम्पररी ट्रांजिशनल प्रोविजन MATS, और पार्ट 22 का है शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, ठीक है ना, ये देख लीजिए, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स शॉर्ट टाइटल कमेंस टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। ये पार्ट 21 है स्टेट्स के लिए, कुछ कुछ स्टेट्स के लिए अलग अलग प्रोविजन है, गोवा के लिए, तेलंगाना के लिए, ठीक है, महाराष्ट्र के लिए, नागालैंड के लिए, मणिपुर के लिए, तो ये अलग अलग प्रोविजन है आर्टिकल 371 के अंडर, 371 ABCDEFGH, ठीक है ना, उस तरह करके है। पार्ट 21 है टेम्पररी ट्रांजिशन, और आखिरी के चार का क्या कोड है सब लोग लिखेंगे जरा, MATS लिखेंगे। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू राइट इट, जस्ट राइट डाउन MATS, सब लोग MATS प्लीज लिख लीजिए, MATS। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। पार्ट 7 किसके साथ डील करता था ये भी देख लीजिए, प्रिंसली स्टेट्स के साथ डील करता था, पार्ट बी ऑफ द स्टेट्स, उसको डिलीट कर दिया गया जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो स्टेट्स किस कैटेगरी में थी, ABCD कैटेगरी में थी, तो उसको बदल के हमने क्या कर दिया था, 14 स्टेट्स बना दिए थे, 6 UTs बना दिए थी, ठीक है ना, अंडर विच लॉ, हाँ, रिकॉग्निशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट, रिकॉग्निशन नहीं है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एक्ट है 1956, ठीक है ना, फजल अली कमीशन के बाद। फजल अली कमीशन कब आया है, 1953 में आया है। तो ये पूरी कहानी सुनने के लिए, समझने के लिए जरूर ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी प्लस, उसमें पॉलिटी का कोर्स आ रहा है मेरा, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी को कोई भी पार्ट याद नहीं हुआ तो प्लीज बता दीजिए, एक बार और रिवाइज करा देता हूं मैं आपको सारा, एक मिनट लगा के। पार्ट 1 डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 2 डील्स विद सिटीजनशिप, एंड पार्ट 3 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। 4 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है ना, 5 द यूनियन, 5 है द यूनियन, VU का TV है ना, और पार्ट 6 मींस स्टेट्स, SIX, STATES, एंड 7 मतलब लक्की नंबर होता है वैसे तो, प्रिंसली स्टेट्स के लिए था वो हटा दिया गया है, 7, 8 हमारे पास 8 ही यूनियन टेरिटरीज है तो यूटीज के लिए डील करता है, 9 मींस नो होगी, किसकी नो होगी, पंचायत की, ए सेक्शन में ज्यादा समझदार लोग काम रहते हैं, चलाक लोग, तो आप कह सकते हैं बेटा 23, 24, 25 नहीं है ये पार्ट, 9A, 9B, ठीक है ना, ये आते हैं मतलब 23 कह लीजिए, 24 कह लीजिए, 25 कह लीजिए, समझ गए आप, सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। चलिए तो पार्ट 14A है हमारे पास, ट्रिब्यूनल्स है, 14 तो बता दिए थे मैंने आपको, 14A नहीं बताया, ट्रिब्यूनल्स, हाँ ट्रिब्यूनल्स, तो ये कुछ ऐड हुए हैं। पार्ट 4 है, एक हमने हटाया है, हमारे पास टोटल 22 थे, हमने एक हटा दिया, पार्ट नंबर 7, हमारे पास रह गए 21, 21 के बाद हमने 4 ऐड किए हैं, 9A, 9B हमने ऐड कर दिया है, ठीक है ना, तो वो 2 हो गए, फिर 14A ऐड कर दिए वो 3 हो गए, और हमने एक और ऐड किया है 4A, तो वो मतलब 4 हो गए टोटल, तो 21 प्लस 4 कितना हो गया, 25, तो आज की डेट में हमारे पास 25 पार्ट्स हैं टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है।
तो पांचवा इसका कोड क्या है, पांच पंजा, कांग्रेस का पंजा, इलेक्शंस 6, 1, 0 और 1, 6 मैंने आपको साथ में समझाया था। 17 इलेक्शंस है, 18 इमरजेंसी है, 19 मिसिलेनियस है, फिर अमेंडमेंट है, टेम्पररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन स्टेट्स है फिर आपके पास, और उसके बाद में लास्टली आपके पास ये चीज है अमेंडमेंट है 20 वाला, ठीक है ना, MATSL कोड, और 19 वाला मिसेलेनियस है। किसी को कोई भी यहां से क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज पूछ लीजिए, मैं आपको याद करा देता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों को याद हो गए होंगे पार्ट्स, क्या आप सब लोगों को पार्ट्स याद हो गए, क्या आप सब लोगों को पार्ट्स याद हो गए हैं प्लीज बता दीजिए, क्या पार्ट्स याद हो गए आप सब लोगों को। वेरी नाइस, तो जितने लोगों को पार्ट्स याद हो गए हैं हाँ, तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है रिवीजन करना पार्ट्स का, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा पूरी पॉलिटी पढ़ने में, नहीं तो कॉन्फिडेंस बेसिकली आता नहीं है, तो उसको सही तरीके से याद कर लीजिए, दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प यू। तो एनी थिंग मोर यू वॉन्ट टू, तो एक बार छोटा सा टेस्ट ले लिया हम आप लोगों का, पार्ट 15 कौन सा है, पार्ट 15 डील्स विद वोट, छोटा सा टेस्ट है, 15 का कोड क्या था, 15, 1, 5, कितने लोग बताएंगे 15 क्या, पार्ट 15 है इलेक्शंस, वेरी नाइस। पार्ट 17 क्या है, 17 क्या है पार्ट 17 इज 17 17 क्या है, 17 क्या है, हाँ लैंग्वेज है, वेरी नाइस। पार्ट 18 क्या है, 100 इमरजेंसी। पार्ट 12 क्या है, फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट, बेटा पबेड एनी डे पबेड, छोटा बहुत है पबेड, मनीष शर्मा बेटा। पार्ट 11 हाँ रिलेशनशिप है। पार्ट 10 क्या है हमारे पास, क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज है। पार्ट 16 भी स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन क्लासेस है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टन स्टेट्स कहां पे है, वो है मतलब 21 में, पार्ट 21 में है, 21 में। तो 14A क्या है, 14A क्या है हमारे पास, ट्रिब्यूनल्स है, और 4A क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ठीक है ना। 9B क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड 9A क्या है आपके पास, 9A क्या है आपके पास, म्युनिसिपैलिटीज। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किसी ने भी मेरे साथ जुड़ना हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना, सर्च कर लीजिएगा करंट अफेयर्स विद जी राजपूत, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जी राजपूत करके आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। एंड आप में से कुछ लोग भी इंटरेस्टेड हैं अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल को लेने के लिए, तो जरूर ले लीजिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के ब्लड में चला जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं पर्सनल, आपको क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी होगी, चीजें क्लास में याद करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इस तरह की और भी क्लासेस में लेके आऊंगा, ठीक है, आज मैं प्लस के ऊपर बहुत सारी क्लासेस जो स्पेशल में जो है शेड्यूल करने वाला हूं, तो वो जरूर देख लीजिएगा आप क्लासेस को। चलिए दिस इज ऑल फॉर द मोमेंट, या बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।